दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस पीजी में मैं रहता हूँ मैं वहाँ का पूरा फ्लैट दिखाने वाला हूँ, कितना पैसा लगता है, कैसे हम वहाँ पे रहते हैं। ये है जहाँ पे मैं पीजी में फ्लैट में रहता हूँ। पर फ्लोर पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 फ्लैट है, ये देख लीजिए, लिफ्ट भी है यहाँ पर। और मेरा वाला फ्लैट ये फर्स्ट फ्लोर पर है, यहाँ पर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, इसमें टोटल ये पीजी में टोटल 4 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 1 BHK फ्लैट है जिसमें हम 4 लोग रहते हैं। टोटल 4 बेड है, 2 हॉल में बेड है और 2 बेडरूम में बेड है। और सबको सेपरेट सेपरेट बेड दिया जाता है, गद्दा दिया जाता है, और एक ब्लैंकेट और एक अपना बेड शीट, एक पिल्लो और एक ही कबर्ड सबको सेपरेट दिया हुआ है। और चार्जिंग सॉकेट भी सबको सेपरेट दे दिया गया है, क्योंकि सब लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबको एक एक सेपरेट दे दिया गया है। तो मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये फ्लैट है 1 BHK, तकरीबन ये 10x15 का एरिया है। ये देख लीजिए, और ये देखिए, ये 2 कबर्ड रखा हुआ है जो कि सेपरेट दोनों लोगों के लिए है ये। और ये देखिए, एक जन यहाँ पे सोते हैं तो उनके लिए सेपरेट हैंगर यहाँ पर है, एक जन यहाँ सोते हैं तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट हैंगर यहाँ पर है। और ये देख लीजिए, ये बालकनी है, बड़ा सा बालकनी है, और यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए जगह है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं तो एक यहाँ पर टॉयलेट हो जाएगा, ये देख लीजिए, एक यहाँ पर टॉयलेट है, और इसके बगल में एक बाथरूम है, ये देख लीजिए। हाँ, और आपको हर पीजी में, जहाँ पे भी आपको पीजी मिलेगा, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी दी जाती है। और ये देखिए, एक फ्रिज है जो कि इन लोग की तरफ से ही है, और ये गैस है, तो यहाँ पर आप खाना वाना भी बना सकते हैं। ये बर्तन भी ये लोग ही देते हैं, और एक RO भी दिया हुआ है पानी पीने के लिए। ये फैसिलिटी इनकी तरफ से होती है, इनको हमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, 2 लोग बेडरूम में रहते हैं, तो एक बेड यहाँ और एक बेड वहाँ पे दिया हुआ है, दोनों लोग का हैंगर है। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों लोग को सेपरेट सेपरेट कबर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पर भी बालकनी है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और ये देख लीजिए, यहाँ पर भी बालकनी है, यहाँ कपड़े फैलाने के लिए जगह है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर महीने का अगर पे करेंगे तो 6000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं रहने के लिए तो आपको 6000 मंथली पे करना पड़ता है, और 6000 एडवांस एक महीने का सिक्योरिटी आपको जमा करना पड़ता है। मतलब टोटल आपको 6000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो जब आप छोड़ेंगे तो आपको 6000 मिल जाएगा, और 6000 मंथली यहाँ पे रेंट है। और अगर पर डे के हिसाब से आप आते हैं तो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसमें फूड इसमें नहीं होता है। अगर आपको फूड चाहिए तो ये लोग ऊपर से अरेंज करवा देते हैं, 50 रुपीज़ डे का लगता है, 50 रुपीज़ नाइट का लगता है, तो भी आपको अरेंज करवा देंगे। खाना काफ़ी अच्छा होता है, फैसिलिटी आप देख ही रहे हैं, बेड, कबर्ड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बर्तन, आप चाहिए तो यहाँ पे भी अपना खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी तरफ से मिला हुआ है, यहाँ पे जब वर्क फ्रॉम होम चालू था तो ये वर्क फ्रॉम होम के लिए इन्होंने, अगर आपको टेबल वेबल भी चाहिए तो ये अरेंज कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप, ये पीजी है बेलापुर में, CBD बेलापुर में, न्यू बॉम्बे में जो कि पड़ता है। अगर आप किसी को भी ऐसा पीजी चाहिए हो ये, तो मैं, जिन्होंने मुझे पीजी दिया है ये मेरे दोस्त ही हैं, तो उनसे, उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।